हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक अच्छी सी थॉट के साथ। पढ़ाई करना कभी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। और पढ़ाई एक ऐसा निवेश है जो पूरी ज़िंदगी आपको एक अच्छा रिटर्न देता रहेगा। तो बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। कभी भी नेगेटिविटी को पास मत आने देना। नेगेटिविटी पास आ जाएगी तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे, और पढ़ाई आप लोगों को छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों को आगे आगे आप जैसे बढ़ते जाओगे ये काम आएगी, ठीक है। तो आइए भाई, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रीवियस ईयर की क्लास। और प्रीवियस ईयर के क्लास में हम क्या इंक्लूड करेंगे, एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन साइंस के पूछ रखे हैं, एसएससी ने जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बैंकिंग में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम डेली वीडियो वाइज रिवाइज करेंगे और आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्लास को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से देख सकते हो। एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, सीडीएस के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, यानी हर एक एग्जाम से हम क्वेश्चंस यहां आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर देखना, और क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि आप लोग आपके अपने VLDA कैंपस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और इसी प्यार के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और इसी प्यार के कारण आज हम आप लोगों के बीच में हैं। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिक्लेयर्ड दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये क्वेश्चन आपका HSSC कलर्क 2016 में आ चुका है, और फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों। शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों, इसका राइट आंसर एक बार फटाफट से लाइव चैट में टपका दीजिए। शाबाश जी बच्चों। तो इसका लाइव चैट में जो आंसर आप लोगों ने दिया है वो रहेगा बच्चों कॉपरनिक्स, ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बात सर्वप्रथम वैज्ञानिक कोपरनिक्स ने बताई थी। हालांकि गैलीलियो ने सबसे पहले खगोलदर्शी बनाया, गैलीलियो ने क्या बनाया था, सबसे पहले खगोलदर्शी बनाया था, ठीक है। और न्यूटन ने बल की गति के तीन नियम दिए थे, न्यूटन ने क्या दिए थे, बल की गति के तीन नियम दिए थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों कोपरनिक्स, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और कोपरनिक्स को ना खगोल विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन बड़ा गजब का है। एक पिंड जल में 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो तो वह पिंड क्या होगा भाई उसके साथ। ए बॉडी फ्लोट्स इन वॉटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इफ द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, देन दैट बॉडी, उस बॉडी के साथ उस टाइम क्या होगा। ये भी HSSC कलर्क 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे साथियों। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए जी, क्या रहेगा इसका राइट आंसर। शाबाश, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि इसका कुछ और भाग जलमग्न हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा यानी पानी में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, ठीक है। पानी में मर्ज होने का मतलब पानी में डूबने लग जाएगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो 4 डिग्री पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, घनत्व सबसे ज्यादा होता है। घनत्व का मतलब क्या है, पार्टिकल्स, उसके कण क्या होते हैं बच्चों, पास पास होते हैं, ठीक है। जब आप उसका तापमान बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही घनत्व कम होगा तो उस बॉडी को अंदर जाने के लिए जगह मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी तो वो वस्तु क्या है बच्चे, उसका कुछ भाग पानी में डूब जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। समुद्र में ज्वार भाटे का कारण क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ टाइड्स इन द सी। चंद्र का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण, चंद्र और सूर्य दोनों का आकर्षण, चंद्र और सूर्य के आकर्षण के बीच का विशेषक। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए। यह क्वेश्चन आया था हरियाणा पुलिस 2016 में। सभी क्वेश्चंस
बड़े गजब के क्वेश्चन है बच्चों और प्रीवियस एग्जाम के ऊपर बेस्ड हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से देख लेना और वीडियो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना मेरे साथियों। तो फटाफट से आंसर दे दो विशाबाज क्वेश्चन नंबर 3 का। जी बच्चों शाबाश, वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों, बस इसी तरह से जवाब देते जाइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, चंद्र व सूर्य दोनों के आकर्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धरती पर स्थित सागरों के जल के स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। कि बच्चों जब धरती पर स्थित जो सागर है उनका पानी सामान्य स्तर से जब ऊपर की तरफ जाएगा, मान लो ये सामान्य स्तर है, ठीक है, इससे जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको ज्वार कहेंगे, ठीक है, और जब ये पानी नीचे की तरफ जाएगा यानी नीचे की तरफ पानी आ जाएगा तो उस टाइम इसको हम क्या कहेंगे, भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है, ऐसे लेयर्स का उठना इस तरह से, ठीक है, जो लहरें उठती हैं उनको क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। भाटा की घटना केवल सागरों पर ही नहीं अपितु उन सभी वस्तुओं पर लागू होती है जिन पर समय व स्थान के साथ परिवर्तनशील गुरुत्व बल लगता है, उदाहरण ठोस जमीन पर भी, ठीक है, ये हर एक चीज के साथ एप्लीकेबल है बच्चों, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, एक टाइम चीज को अपनी तरफ खींचती है और जैसे ही ये वाटर थोड़ा सा फोर्स लगाएगा तो ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा धक्का लगेगा तो क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। आपके खेत के पास में कोई नहर चल रही है ना, उसको भी आप देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो पानी चलेगा ना, थोड़ी थोड़ी सी लहर आपको दिखेगी, लाइन्स आपको दिखेगी, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा बच्चे ऑप्शन सी। उसके बाद और ना तो बच्चे नहर में एक पत्थर मार के देख लेना, पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, वो गोल गोल सा सर्कल से बनते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाएंगे, ज्वार भाटा। बट ये जब बड़ा रूप ले लेते हैं ना उस टाइम इनको ज्वार भाटा बोल देते हैं, होती वैसी ले रहे हैं। भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग लेने के लिए किसी धातु के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड उपयुक्त है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया इज सुटेबल फॉर ए मेटल टू बी यूज एज ए कुकिंग वेशल। कि बर्तन जो भोजन पकाने का जो बर्तन है, ठीक है, उसके लिए कौन सी मेटल यूज की जानी चाहिए भाई, कम ऊष्मा चालकता वाली, अधिक ऊष्मा चालकता वाली, कम विद्युत चालकता वाली, अधिक घनत्व वाली। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों शाबाश। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, ध्यान से क्वेश्चन को समझोगे तो आंसर आप दे पाओगे, ठीक है। तो इसने कहा भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग लेने के लिए किसी धातु के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड उपयुक्त होता है, कि भोजन बनाते हैं उसके लिए कौन सी बात जरूरी है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, अधिक ऊष्मा चालकता, ठीक है, यानी जिसमें हाइयर थर्मल कंडक्टिविटी हो, जो अधिक ऊष्मा को क्या कर सके, कंडक्ट कर सके, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा क्या हो सके, उत्पन्न हो सके। जितनी ज्यादा हीट उसमें होगी, जितनी ज्यादा टेम्परेचर उसका होगा, जितनी ज्यादा मतलब थर्मल एनर्जी उसमें होगी, उतना ही जल्दी भोजन क्या है बच्चे, पकेगा। अधिक ऊष्मा चालकता, खाना बनाने के बर्तन अधिक ऊष्मा चालक धातु के बने होने चाहिए जिससे ऊष्मा की पहुंच आसान हो जाए और खाना जल्दी पक जाए। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। जब लोहा और कास्क को सूर्य के प्रकाश में उद्भासित किया जाता है तो लोह दंड शीघ्रता से गर्म हो जाता है, इसका कारण क्या है। कि जब हम आयरन और वुड को एक्सपोज करेंगे सनलाइट में तो जो आयरन है वो जल्दी ही गर्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा क्यों है, किस कारण होता है बच्चों। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिएगा। आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और यही क्वेश्चंस आपके दो नेक्स्ट जो एग्जाम्स हैं उनमें आएंगे, ठीक है। और ये जो प्रीवियस ईयर की सीरीज आप कर लोगे तो उम्मीद है आपके साइंस के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन तो आप लोगों के ठीक होंगे ही होंगे, 10 आएंगे तो 8 क्वेश्चन आप लोगों के ठीक होंगे ही होंगे। बाकी HSSC का भरोसा नहीं है, हर एक विद्वान के फिल्टर पार देती है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कहां कहां से क्वेश्चन उठा के ले आए। तो बच्चों हमारा काम है कोशिश करना, ठीक है, तो कोशिश यानी हमारे फिल्टर को मजबूत करना, हमारी नॉलेज को मजबूत करना। तो फटाफट से एक बार आंसर दे दो विशाबाज। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, लोहे की उच्चतर ऊष्मा चालकता।
हायर हीट कंडक्टिविटी ऑफ आयरन, कि लोहा है बच्चों वो ऊष्मा का सुचालक होता है और लकड़ी क्या होती है, कुचालक होती है। जब लोहा, ठीक है, जब लोहा सूर्य की गर्मी में रखा जाता है तो वह ऊष्मा संचरण की चालन और विधि का प्रयोग करके ऊष्मा संचरण करता है, जबकि लकड़ी ऐसा करने में असमर्थ होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आयरन है वो कंडक्टर ऑफ हीट है, उसमें हीट वो क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, हीट उसमें से पास हो सकती है, बट लकड़ी में ऐसा नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है, बाय प्रोसेस डज सनलाइट रीच द अर्थ, चालन, सर्वहन, विकिरण और विसरण। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए। और ये क्वेश्चन आया था हरियाणा पुलिस फीमेल 2016 में, बड़े गजब गजब के क्वेश्चन डालती है एचएसएससी। एचएसएससी पे तो हमें गर्व होना चाहिए, नाज होना चाहिए, ठीक है ना, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन, यूपीएससी से भी ऊपर का लेवल है इनका, ठीक है। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का। शाबाशी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो रहेगा बच्चों ऑप्शन सी, विकिरण के रूप में, रेडिएशन की फॉर्म में। सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल तक नितांत निर्वात है, निर्वात, ठीक है, जहां कुछ भी उपस्थित नहीं है, इसलिए वहां न तो चालन विधि संभव है न ही संवहन विधि। तो फलस्वरूप ऊष्मा संचरण विकिरण विधि से होता है। यानी निर्वात का मतलब क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के वायुमंडल तक नितांत निर्वात है, ठीक है ना, तो वहां क्या है, जो एयर है वो तो देखो हमारे पृथ्वी में प्रेजेंट है, बट ऊपर का जो हिस्सा है वहां एयर प्रेजेंट नहीं है। जहां एयर प्रेजेंट नहीं होती उसको हम निर्वात कहते हैं बच्चों, जहां पे हवा उपस्थित नहीं होगी इसको क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन सी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एयर नहीं है तो हम कैसे जी रहे हैं, अरे मेरे लाडलो जो एयर है ना वो धरती क्या, अर्थ का जो एटमोसफियर है उसके अंदर है, ऊपर तो नहीं है। अगर ऊपर एयर नहीं होगी, हवा नहीं होगी, तो हवा के थ्रू अगर मान लो सूर्य की किरणें धरती पे आ रही हैं तो वहां बीच में हवा होगी नहीं तो कैसे आएगी, ठीक है ना, समझ गए। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है, हवा का जो हमारी धरती का जो वातावरण है उसमें एयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर रहेगा विकिरण, विकिरणों की फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में जो सूर्य का प्रकाश है वो अर्थवी तक, पृथ्वी तक आता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ध्वनि तीव्रतम गति करती है, साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट, साउंड है बच्चों आवाज है वो सबसे तेज कहां चलती है, निर्वात में, स्टील में, जल में या वायु में। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। ये क्वेश्चन भी एचएसएससी कलर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है भाई, फटाफट से आंसर दे दो। और कई बार ये रिपीट हो चुका है वीएलडीए कैंपस पे, फटाफट से आंसर दे दो। अब शाबाश, शाबाश बच्चों, शाबाश, फटाफट से आंसर देते जाओ मेरे साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, स्टील में, क्योंकि जो साउंड है ना बच्चों वो सॉलिड्स में फास्टर चलती हैं, तेज चलती हैं, ठीक है। निर्वात में इसकी जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछ ले भाई जो साउंड है, ध्वनि है, उसकी जो स्पीड है वो सबसे कम किस में रहेगी, तो आप कहोगे निर्वात में, वैक्यूम में, क्योंकि वहां पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, एयर वहां प्रेजेंट नहीं होगी तो साउंड के चलने के लिए किसी तरह का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो एयर है अगर वहां प्रेजेंट है तो वो साउंड के लिए किसका काम करेगी, ट्रेन का काम करेगी, उसको लेके जाने का काम करेगी। उसके बाद स्टील की बात करता हूं, स्टील में इसकी जो स्पीड होती है 25 डिग्री पे वो होती है 5960 मीटर पर सेकेंड। जल में कितनी होती है, वाटर में होती है 1531 मीटर पर सेकंड। सभी नोट कर लेना साथ साथ इन चीजों को। उसके बाद है बच्चे एयर में कितनी होती है, एयर में होती है 3.46 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन चीजों को याद रख लेना, क्यों याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी एचएसएससी पूछ सकती है, एचएसएससी का भरोसा नहीं है, ठीक है ना। एचएसएससी अब क्या करती है, फिल्टर पाड़ने में विश्वास नहीं रखती, फिल्टर चेंज करने में विश्वास रखती है, ताकि बच्चे अपनी नॉलेज को बिल्कुल अच्छे से अपडेट करें। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है मेरे साथियों, करते रहना, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। शोर और संगीत में अंतर कैसा होता है बच्चों, डिफरेंस क्या होता है,
होता है नॉइज और म्यूजिक में? गुणवत्ता का होता है, सुर का होता है, स्वर का होता है या स्वर मान का होता है? ये क्वेश्चन आया था HSSC वाइल्ड लाइफ गार्ड 2017 के एग्जाम में। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए मेरे साथियों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। शाबाश, फटाफट से आंसर देते जाइए भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन मेरे साथियों। सौर और संगीत में किसका अंतर होता है बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, स्वर का। ठीक है, स्वर का मतलब कि शब्दों का होता है, ठीक है ना, शब्दों का। जैसे अब हम बात कर रहे हैं ट्रक जा रहा है, ट्रक का कोई शब्द होते हैं भाई? वो तो सीधा डों डों करता जाएगा, ठीक है, और वहां आप लोगों को थोड़ा सा मतलब बुरा भी लगेगा। म्यूजिक में क्या है, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी वहां होती है, तो उस टाइम आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा बेटर लगेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ऑप्शन सी क्या रहेगा मेरे साथियों, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्वनि डैश माध्यम में संचालित नहीं हो सकती, साउंड कैन नॉट कंडक्ट इन डैश मीडियम, किस मीडियम में नहीं चल सकती बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। ये आया था टैक्सेशन इंस्पेक्टर के एग्जाम में, ठीक है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों, वेल डन भाई, शाबाश। तो बच्चों यहां मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जो साउंड है वो किस में नहीं चलेगी, वैक्यूम में नहीं चलेगी। वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है, शून्य होती है, जीरो होती है। और मैंने ये भी बताया था कि जो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी वो सॉलिड्स में होगी। तो यहाँ लकड़ी और वुड क्या है, सॉलिड है, यानी इनमें तो ये चलेगी, ठीक है। पानी है, पानी में मैंने आपको इनकी स्पीड बताई थी। तो शून्य में यानी जीरो में, वैक्यूम में इनकी स्पीड बिल्कुल नहीं होगी, ये नहीं चल पाएगी। जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होगी वहां पे ध्वनि नहीं चलेगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, विच लेंस इज यूज्ड फॉर मायोपिया, मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है भी, मायोपिया को ठीक करने के लिए। एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए, शाबाश, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है आपके HSSC कलर्क 2016 के एग्जाम में, ठीक है। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन बी, अवतल कनकेव। कौन सा? अवतल कनकेव जो लेंस है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है इसमें, कि नजदीक का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। तो इसका राइट आंसर रहेगा अवतल यानी कनकेव, ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। जिनको दूर का चश्मा लगाए ना उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो राइट आंसर रहेगा अवतल कनकेव। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ट्रेकोमा के द्वारा कौन सी अंत्रिका प्रभावित होती है, यानी विच नर्व इज अफेक्टेड बाय ट्रेकोमा, ट्रेकोमा किसको प्रभावित करता है बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए, बड़ा गजब का क्वेश्चन है ये, फटाफट से आंसर देते जाइए, शाबाश। और बच्चे ये क्वेश्चन है किसी एक एग्जाम के लिए हमने तैयार नहीं किए हैं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां जहां साइंस आती है वहां वहां ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन का वो रहेगा नेत्र यानी आई, आंख, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाला ये एक संक्रमण है जो आंखों पर असर करता है बच्चों, बैक्टीरिया के द्वारा होता है ट्रेकोमा, ठीक है, याद रख लेना इसको। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 है बच्चों, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित हैं, व्यतिकरण, विक्षेपण, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन? तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए भाई, क्या रहेगा इसका, शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों, फटाफट से आंसर देते जाइए भाई। और ये क्वेश्चन HSSC कल तक 2016 में पूछा गया है, तो फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ये इस तरह का डिवाइस होता है जिसके अंदर पूरी तरह से पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों हमारा वो रहेगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में मतलब इसको क्यों चूज किया कि अगर हमारा आपतन कोण है, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण का मतलब इंसिडेंट एंगल है का क्रांतिक कोण का मान, क्रिटिकल एंगल का जो कोण का मान है, ठीक है, अगर वो क्या है 90 डिग्री से अधिक होता है, यानी एक बार ध्यान से इस चीज को सुन लो, वह कोण जो संघनन माध्यम में बना आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परिवर्तित होकर संघनन माध्यम में भी लौट जाता है। संघनन माध्यम डेंसर मीडियम बोलेंगे, ठीक है, इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। एक सूची छिद्र कैमरा द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। एन इंडेक्स होल इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द कैमरा। यानी एक सूची छिद्र के द्वारा जो इमेज बनेगी बच्चों वो कैसी बनेगी, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। और ये क्वेश्चन पूछा गया था HSSC पटवारी 2016 में, तो सभी पटवारी तैयार रहे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा क्या रहेगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चे ऑप्शन सी, और जहां रियल दिखता है रियल के साथ इन्वर्टेड आता है हमेशा, और वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे, विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापने का जो डिवाइस है उसको हम क्या कहेंगे, फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते चलिए बच्चों। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उम्मीद है आपको सीरीज अच्छी लग रही है। तो ये क्वेश्चन आया HSSC कलर्क 2016 में, हर एक पेपर से क्वेश्चन उठाएंगे बच्चों, जितने पेपर हो चुके हैं, ठीक है, आप लोगों के भविष्य में काम आने वाले क्वेश्चंस होंगे जी बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन सी, एमिटर। और एमिटर को सर्किट में जोड़ा जाता है सीरीज में, किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में बच्चों, ठीक है। जनरेटर क्या करता है, विद्युत को उत्पन्न करता है। मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है बच्चों। गैल्वेनोमीटर क्या डिटेक्ट करता है कि हमारे सर्किट में विद्युत धारा है या नहीं, करंट है या नहीं। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। द डिवाइस यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, कि इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करने की जो युक्ति है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों। ये भी HSSC कलर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़े गजब गजब के क्वेश्चन डाल रखे हैं बच्चों इन्होंने, शाबाश। तो इसका राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों ऑप्शन ए, उसको हम क्या कहेंगे, जनरेटर। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जनरेटर का। मोटर का यूज किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने के लिए। जैसे कि हमारे जो हरियाणा वाले क्या करते हैं, जैसे कोई मोटर ले आए, ठीक है, उसको समर्सिबल पे चला रहे हैं। समर्सिबल से पहले ट्यूबवेल होते थे ना, छोटे छोटे कुएं वाले, उनमें से पानी निकालने के लिए यूज करते थे, बिजली आती थी मोटर से पानी निकालते थे, ठीक है। वैसे पानी वाली मोटर हो गई, पानी वाली यानी जो ऊपर चढ़ाने टंकी में पानी चढ़ाने के लिए यूज करते हैं आप लोग, तो वो मोटर भी किस पे काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी को किस में बदलती है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। यानी आपको बाल्टियों से पानी नहीं ढोना पड़ता, वो मोटर अपने आप उस ऊपर जो टंकी लगी होगी उस टंकी में डाल देती है। इलेक्ट्रिक मोटर को, इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। एमिटर का काम क्या है बच्चों, कि सर्किट में कितना करंट जा रहा है उस करंट का अमाउंट दिखाना। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इतना दिखाता है कि इसमें करंट है या नहीं। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट द एनोड। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, HSSC कलर्क 2016 के मॉर्निंग के एग्जाम का ये क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब देते चलिए भी, शाबाश।
वेरी गुड बच्चों, तो इसने जो बात कही है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार। इसने ये कहा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो एनोड पे होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और जो कैथोड पे होता है बच्चों उसको हम कहेंगे रिडक्शन। और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि जो कैथोड है पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इतनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। विद्युत आवेश की एसआई इकाई है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। और ये क्वेश्चन भी आपका है बच्चों एचएसएससी कल तक 2016 की मॉर्निंग के एग्जाम का, तो फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश, बहुत सारे बच्चे हैं बिल्कुल अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेरी गुड मेरे साथियों, वेल डन। ठीक है, बस इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ज्ञान वर्धन करते रहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को मापा जाता है कूलम में। किसमें मापा जाता है? कूलम में। एम्पियर में किसको मापते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को, जिसको आई से दिखाते हैं बच्चों। वोल्टेज, वोल्टेज से हम किसको? वोल्ट यानी जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है उसको मापते हैं। ठीक है, वाट, वाट में किसको, किससे मापा जाता है? वाट में, वाट में मापी जाती है पावर। ठीक है, बल्ब कितने पावर का है, कितनी शक्ति का है, तो वो वाट में आता है भाई। समझ गए मेरी बात? शाबाश बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन मेरे साथियों। उसके बाद आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है भाई 18 नंबर क्वेश्चन? कि एक वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा में बदलती है। अच्छा, कौन सी ऊर्जा में बदलती है, इसने ये पूछा है। इलेक्ट्रिक मोटर इन ए वॉशिंग मशीन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू डैश एनर्जी, यानी किस एनर्जी में बदलती है। ये एचएसएससी ऑडिटर लोकल ऑडिट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और इसका आंसर आपको मैं बता चुका हूं, तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। शाबाश मेरे लाडलो, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। और बच्चों वीडियो क्लास अच्छी लग रही है ना, तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना, दुम्मे से ठा देना भाई सारे। ठीक है, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। किस में बदलती हैं? मैकेनिकल एनर्जी में। थोड़ी देर पहले बताया था इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में बदलती है? मैकेनिकल एनर्जी में, यानी आपका काम मोटर करती है। ठीक है, आपका काम मोटर करती है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? जैसे आप जनरेटर को हैंडल मारते हो तो हैंडल मारते टाइम आप मैकेनिकल एनर्जी देते हो, और जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। बार चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह दिशा की तरफ इशारा करता है, यानी एक मैग्नेट को हम सस्पेंड कर लें फ्रीली तो वो कौन सी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका एचएसएससी ऑडिटर 7/2015 का, तो फटाफट से लाइव चैट में टपका दीजिए भी आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 19 का। शाबाश, वेल डन मेरे साथियों, वेल डन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे, आपको पता है कि जब एक स्वतंत्र रूप से हम किसी चुंबक को लटकाएंगे तो वो किस तरफ इशारा करेगा। शाबाश, वो इशारा करेगा नॉर्थ और साउथ की तरफ, यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण की तरफ वो क्या करेगा? इशारा करेगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है? कि बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई इस्तेमाल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के एग्जाम में। कब आया था? एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2017 में हुआ था आई थिंक, तो उसमें ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए भाई। वेरी गुड, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है वोट। क्या है? वोट, जूल है भाई। जूल में किसको? एनर्जी को भी मापा जाता है, वर्क को भी मापा जाता है, एम्पियर में करंट को, और वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस को। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे। इसने कहा CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। ठीक है,
हुम इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सी एन एच टू एन प्लस टू? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन या प्रोपाइल। तो 21st क्वेश्चन का फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। अब इसको ना ध्यान से सीखिएगा, ये बड़ा गजब का है। एन की जगह एक बार वन रखो तो ये देगा सी एच फोर, ठीक है। इसके स्थान पे टू रखो बच्चों, ये देगा सी टू एच सिक्स, समझ गए। अब यहां ध्यान से समझ लेना इस बात को बड़े अच्छे से, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं? चार, पहले वाले में। दूसरे वाले में देखो दो कार्बन है, ये लो जी, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां 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 यहां, ये छह हाइड्रोजन लग रहे हैं। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। जहां सब में सिंगल बॉन्ड हो, यानी ये लिखी सी लाइन सी जो दिख रही है एक हो, तो वो उसमें हम यूज करते हैं एन। जब दो आ जाए वहां यूज करते हैं ईन, और जहां तीन आ जाए वहां यूज करते हैं आइन, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो इसमें सारे में देख लो एक डंडा दिख रहा है, जिसमें एक डंडा है उसमें एन यूज करते हैं। एन देख लो किसमें? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही, अब उम्मीद है नहीं भूलोगे। अब आ जाइए नेक्स्ट 22 पे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल? मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, शाबाश। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाइए मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। क्या रहेगा बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो बनाएगा CaCO3, ठीक है। तो बच्चों अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। यसद लेपन की प्रक्रिया में लोहे पर एक पतली परत किस धातु की चढ़ाई जाती है? इन द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन ए थिंक लेयर ऑफ थिक लेयर थिन लेयर ऑफ विच मेटल इज अप्लाइड? किस मेटल की चढ़ाई जाती है बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 23 का। तो ये भी बताऊंगा यसद लेपन क्या होता है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी, बस वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ, हर एक डाउट को क्लियर करते जाएंगे बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, जस्ता, जिंक। जिंक की लेयर जब आयरन पे चढ़ाई जाती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना बच्चों। गैल्वेनाइजेशन वहां ना दिखे तो आप पहले पॉलिशिंग को चूज कर सकते हो, पॉलिशिंग ऑप्शन में ना दिखे तो पेंटिंग को चूज कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चे वो रहेगा ऑप्शन बी। और क्यों चढ़ाई जाती है बच्चों? उससे जंग से बचाने के लिए, इसको रस्ट लगने से बचाने के लिए। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक शुद्ध रासायनिक अवस्था में हीरा है, डायमंड है बच्चों, प्योर केमिकल स्टेट में कैसा सब्सटेंस होता है? मोनोक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक, रंगहीन। तो फटाफट से एक बार आंसर दे दीजिए भाई, HSSC कलर 2016 का बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, रंगहीन, ठीक है। रंगहीन हीरा कार्बन का अपरूप है बच्चों, और हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, और हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। वैसे उसका कोई रंग नहीं होता, जब लाइट उसके अंदर ही बार बार क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उस टाइम वो चमकता है बच्चे, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद है बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, किस प्राकृतिक तत्व का उच्चतम द्रव्यमान होता है? विच नेचुरल एलिमेंट हैज द हाईएस्ट सॉल्वेंट? फटाफट से जवाब दे दीजिए, लोह में, कार्बन में, ताम्र में या रजत में? फटाफट से आंसर देते जाइए भी, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, वेरी गुड भाई, काफी सारे बच्चों ने दिया है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका? बिल्कुल सही। कार्बन क्या है बच्चों? एक अधातु है, नॉन मेटल है। अधातुओं का जो द्रव्यमान है साधारणतः धातुओं से कम होता है, परंतु कार्बन के पास चार संयोजी इलेक्ट्रॉन है। चार संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर सकता है? शेयर भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, और अपनी बॉन्डिंग को क्या करता है बच्चों? पूरा करता है, खुद को स्टेबल करता है, ठीक है, जो कि एक सहसंयोजी आबंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है, जुड़ जाता
करते हैं भाई, तो जिससे उनके बीच का एक अंतरणविक यानी इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उस कार्बन का जो द्रव्यमान होगा बच्चों वो 3550 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 3550 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रख लेना, याद रख लेना इस चीज को। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो मेरे साथियों ये थी हमारी आज की सीरीज, कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कैसी लगी। अगर सीरीज अच्छी लगी है बच्चों तो लाइक करके शेयर कर देना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर भी आप दे देना, कैथोड को पॉजिटिव बोलते हैं या नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और आप लोगों ने वीडियो क्लास को लास्ट तक देखा, ढेर सारा प्यार आपसे मिला, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि आपका यही सहयोग हमारे लिए क्या है, अतुल्य और अमूल्य है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और भविष्य में हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो या कोई भी पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।